जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुंगेर में मटन पुलाव का महाभोज किया, जिस दौरान मटन खाने को लेकर जेडीयू कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करनी पड़ी। इस भगदड़ में सदर डीएसपी राजेश कुमार सिन्हा भी घायल हो गए हैं। नीतीश कुमार अपनी पत्नी मंजू कुमारी की 16वीं पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे और अपनी पत्नी की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की। नौबतपुर के तरितुपाली मठ में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री दूसरे दिन हनुमान कथा सुना रहे हैं, तो वहीं राजधानी में लगे धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर को एक बार फिर से फाड़ा गया। होटल पनाश के सामने लगे पोस्टर को किसी शरारती तत्व ने फाड़ दिया है। इसके विरोध में बाबा समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। रोहिणी ने ट्वीट कर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, आसाराम राम रहीम के भक्त बड़े अलबेले हैं, पर्ची वाले बाबा के संग डेरा डाले हैं। वहीं दूसरे ट्वीट में रोहिणी ने लिखा, आरती उतारो इनका आरती उतारो, 2024 के चुनाव का यही मुद्दा बनाओ, महंगाई भ्रष्टाचारी से मुंह मोड़ जाओ, दंगाई बनकर बिहार में जीत का फॉर्मूला सेट कर जाओ। इसके साथ ही रोहिणी ने ये भी लिखा, पर्ची वाले बाबा से यही हमारी विनती है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी करनी पूर्ति है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे पर हरिभूषण ठाकुर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कभी हारती नहीं है और 2024 में किसी की भी दाल नहीं गलने वाली। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को राजनीति में लाज नहीं है और बीजेपी सीट में हार गई है, लेकिन विचारधारा में हमारी जीत हुई है। कर्नाटक में तो पिछले बार भी हम लोग की सरकार नहीं बनी थी, लोकसभा का चुनाव आया तो अधिकांश सीट हम लोग जीत गए। भारतीय जनता पार्टी कभी हारती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या तो सीखती है या जीतती है। हमको कुछ सीख मिला है। जातिवादी ताकतें और सांप्रदायिक ताकतें एक हो गई और जिसका परिणाम है कि पाकिस्तानी राष्ट्रध्वज नुमा झंडा कर्नाटक में फहराया जाने लगा, तो लोग देख रहे हैं। क्षणिक आवेश में लोग कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन लोग हम में अगर कुछ कमियां रह गई है तो हम उसमें सुधार करेंगे और पुनः 24 में फिर किसी के दाल नहीं गलने वाली है। नालंदा में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसे नाराज अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। हंगामे के दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। सिपाही भर्ती परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया है कि समय से पहले ही परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया गया, जिस कारण वे लोग परीक्षा नहीं दे पाए। द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर 24 मई को आएंगी। झारखंड में बन रहा 165 एकड़ में उच्च न्यायालय का नया भवन का उद्घाटन करेंगी। सीसीटीवी कैमरा सहित सभी उपकरण से लैस है ये नया भवन। आरा के पश्चिमी गुंडी पंचायत की मुखिया अमरावती देवी के मुखिया पति मुन्ना यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुन्ना यादव आज सुबह कृष्णागढ़ थाने से पंचायती कर वापस अपने घर जा रहे थे। इसी बीच सरैया बाजार पर हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं वहां के एसपी प्रमोद कुमार ने कहा है कि जिन लोगों ने यह हत्या की है उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जी, अभी आप लोगों को बताना है कि मैं खुद ही जो है अभी कृष्णागढ़ थाना में हूँ। अभी पीओ पर मैं आया था और यहाँ पे सुबह करीब 8:15 के आसपास, 8:30 के आसपास जो है यहाँ एक पश्चिमी गुंडी है और जो बहुन गांव के मुखिया पति, इनका नाम मुन्ना यादव था, और वे थाना आए थे किसी मैटर में अपना यहाँ पर थाना पे कोई मिलने के लिए जो है किसी दूसरे के गांव के मैटर को मिलने के लिए। तो यहाँ से जैसे थाना से निकले हैं, थाना से लगभग जो है 400-500 मीटर दूर जैसे आगे निकले होंगे और तभी से दो अपराधी जो इनके पूर्व से इनकी जो एक दावत चल रही है, जो है इनके खानदान के ही लोग हैं, तो पूर्व में भी इनकी पत्नी को गोली मारे थे और उनकी पूरा परिवार की पुरानी एक रंजिश चल रही है और उसमें पहले भी इसमें कई लोग जो है नामित हुए हैं, आपस में इनका केस हुआ है।
बिहार एसटीएफ ने बेगूसराय के कुख्यात अपराधी कमल कुमार को मटिहानी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने अपराधी की गिरफ्तारी के साथ साथ 1-2 नाली बंदूक, 1 देसी पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस से भी बरामद की है। बिहार पुलिस के मुताबिक कमल कुमार का आपराधिक इतिहास काफी पुराना रहा है।